चोरी का इल्जाम वो ले चुकी थी मगर इसने अपना राज नहीं दिया था अली खामोशी से अगली सुबह इसे कुछ पैसे देकर गया जो इसने इतनी ही खामोशी और फमहबरदारी से पकड़ लिए थे न जाने क्यों अली को वो मशकूक सी लग रही थी बहरहाल वो और कर भी कह सकता था मार्च ये हाउस में वो हमेशा सुबह हमेशा की तरह ही थी डीले डाले लबास में शादा होली में मलबूस घर की सफाई में मगर थी जब इसे मार्च बाहर से आता दिखाई दिया शायद वो जॉगिंग से आया था

आज तुम मेरे साथ पार्टी पे चल रहे हो नजाकत से अपनी हील पे टिक टिक करती वो दाखिल हुई थी सॉरी मेरा मूड नहीं। आराम से कहकर अपने काम में मगन हो गया था क्यों नहीं आ सकते तुम मेरे साथ साइनिश सुपर मॉडल लोग इसके आगे पीछे घूमते थे भला वो कैसे बर्दाश्त करती साइनिश में मैंने एक बार कह दिया ना मैं नहीं आ सकता मुआज ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा था इससे पहले कि वो अपना कोट उठा उठाता जो इसने उतार कर कुर्सी की पुष्ट में रखा हुआ था साइनिश ने इसका हाथ पकड़ लिया था ऐसे क्यों हो गए हो तुम बताओ मुझे क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सब हाँ वो इंग्लिश में तेज तेज बात कर रही थी जबकि आंखें सुरख पड़ रही थी मार्ज को इस पे तरस आया साइनिश ऐसे रिएक्ट मत करो हम बस कुछ वक्त के लिए साथ थे तुम ये बात अच्छे से जानती थी मार्ज ने इसका हाथ नरमी से पकड़ा था नहीं बिल्कुल नहीं मैं नहीं जानती थी मोर्च मैंने तुम्हें हमेशा अपने साथ देखा है मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती वो तकरीबन रो देने को थी इंसान कालमिया है चाहे वो जितना अनादार हो खुदार हो मगर जब इससे कोई ऐसी चीज छीनी जाती है जो इसने अपने पास देखी होती है जिसे इसने अपना सोचा होता है तो इसकी जान निकलती है फिर चाहे वो इससे शिद्दत से वाबस्ता हो या ना हो तब वो सब याद नहीं रहता बस याद रहता है तो इस चीज को खोना और इस वक्त साइनिश का वही हाल था वो मार्च को खोना नहीं चाहती थी किसी भी सूरत में नहीं तुम तो मुझे छोड़ रहे हो क्या साइनिश का दिमाग घुमा था इसने अपने हाथ में पकड़ा अपना कीमती हैंडबैग सामने मौजूद खूबसूरत वाल पर लगी मोना लेजा की पेंटिंग पे दे मारा था मार्ज को इसकी हालत खराब महसूस हुई थी साइनिश प्लीज रिलैक्स अपनी ब्राउन शर्ट के बाजू तक मोड़ता इसकी तरफ लपका था ये सब इस जाहिल इस गरीब लड़की की वजह से कर रहे हो ना साइनिश को बिल्कुल मालूम नहीं था वो क्या कह रही थी वो क्या कर रही थी शर्टअप साइनिश मार्ज का हल कड़वा हुआ बोलो बोलते क्यों नहीं हो साइनिश ने मार्ज का बाजू पकड़कर झंझुड़ा था तुम पागल हो गई हो साइनिश इसके सिवा और कुछ नहीं मोहार्ज इसे ठंडा करना चाहता था बहुत सब ठीक है ना इसी पल अली दरवाजे से दाखिल हुआ तो साइनिश ने खुद को कंपोज किया था मुस्कुरा दिया वो शाहिदी कैसा जुनून था कैसी मोहब्बत थी जो अपनी के सामने झुक गई थी कुछ नहीं हुआ ली बस तुम्हारा वेट हो रहा था मैं घर जा रहा हूँ तुम सब देख लेना साइनिश का गाल थपथपाता कोट बाजू पर डालता सन ग्लासेज चढ़ाए वो बाहर निकल आया था कोई साइनिश से पूछता इसका क्या हाल था मुआर्ज जैसे परफेक्ट बंदे को खोने का You are beautiful, like a dream, come alive and credible, a chanted Ford miracle, lyrical, you saved my life again, and I want you to know baby, I love you like also song, baby, I love you like also song baby.

सलीना गो मेस बनने की कोशिश में मगन थी आ वो इसके पास जाकर घनकारा था आई लव यू मोनिका के अल्फाज मुंह में टूटे थे वहां के पटपटाती उठ कर खड़ी हुई थी जींस के साथ फैद हाई नेक शर्ट में मलबूस बालों पर सफ़ेद फ्रेम बांधे बाकी बाल पीछे खुले थे वो शायद अभी अभी नहाई थी इसके पास से उठती महक इस कदर खूबसूरत थी थीआज की आंखें पलटने से इंकारी हुई मोनिका के हाथों से गटार फिसल रहा था वो इसको ऐसे मौ... देख कर वाके खौफ जदा हुई थी लबकारती वो खामोश थी थीआज मौर... ने बेसाखता मुस्कुरा दिया और मोनिका ने पलके झुका ली इस दिन इस लड़की ने अहद किया था वो जब भी मुस्कुराएगा वो आंखें झुकाएगी हाँ दिलकश सा था इस मगरूर से लड़के का मुस्कुरा हमारे घर तो बड़े बड़े सिंगर मौजूद है भाई हम ऐसे बाहर म्यूजिक कंसर्ट पे जाते हैं वो इस वक्त इतनी क्यूट तो लग रही थी कि मोआज ने साइनिज से चिपकलश और मोनिका की पिछली रात वाला चोरी का वाक्य बुला बैठा था सॉरी बॉस वो मैं वो बस वो कुछ बोलना चाहती थी मगर मार्ज इसके इतने करीब खड़ा था कि वो दो कदम पीछे हटी थी और इसकी यही आदत थी जो मार्ज को चौंकाती थी ये परहेज ये ग्रेस ये शर्मो हया वो कहाँ से मगरबी थी सूरत के मेरे कमरे में चाय लिया वो इसे हदायत देता है, एक पल में पीछे हटा और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया था मोनिका ने जोर का सांस लिया हवेली में मौत का समा था चबूतरों पे बैठे सफेद कबूतर सहमे हुए थे बिल्कुल वैसे ही जैसे संदलीन खानम का दिल वो लड़की बहुत बहादुर थी वो लड़की बहुत खूबसूरत दिल की थी वो लड़की बहुत मजबूत थी मगर एक सच भी था कि वो एक लड़की थी वो टूट रही थी वो बिन माँ की बच्ची थी वो बिन बाप की शजादी थी हाँ वो टूट रही थी बहुत चुपके चुपके से अपना खामोशिया का गुमा होता मोहब्बत करती थी इसमें कोई शक नहीं था मगर वो इसकी माँ नहीं थी वो बहजाद खान की माँ थी और संदलीन खानम की खाला संदलीन अपने कमरे में खामोशी से वक्त गुजारती थी इस लड़की ने किस्मत से हार मान ली थी या बहजाज खान की मोहब्बत से फैसला करना मुश्किल था वह शेरोना से मंगनी कराया है वो भी अकेले अकेले इसने ये बात छुपाई ही नहीं थी सबको बता दी थी और सरेआम बता दी थी खानम बी का दिल बैठ गया था सदीका को पहले नाजुक मराहल से गुजर रही थी इनका अलग बुरा हाल था और जमान खान वो खानम बी के कमरे में खामोश बैठा था खानम बी, खुदा के लिए मुझे मेरी खुशी पाले ने दी वो खान नम्बी के कदमों में बैठा था वक्त के किसी पल ने चंद पल पीछे झांका वो एक बाशिर होना जहाँ के कदमों में भी बैठा था वो कैसा मर्द था कैसा सरदार था जो औरतों के कदमों में जा बैठता था अना की देवी ने इसे बेरुखी से घूरा था हाँ वो ऐसा मर्द था जिसे मोहब्बतें अजीज थी वो मोहब्बत का देवता था इसे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी वो इन दो औरतों से इश्क करता था वो दो औरतें इसका कुल सरमाया थी इसे इनके कदमों में बैठने से कोई आर नहीं थी वो अकेला क्या सारी दुनिया के सामने इन दोनों के कदमों में बैठने को तैयार था कैसा तूने इश्क पा लिया सोनिया कैसा है ये तेरा दर्द सोनिया कैसी ख्वाहिशात पाली तुमने न जाने कैसे होगा तेरा कुल सोन कल सोनिया सफेद हवेली की दीवारें इस पर गुनगुनाती थी ऐसे मत करो बहजाज मैं तुम्हारी माँ हूँ मैंने तुम्हें पाला है बहजाज मुझसे बेहतर तुम्हारा अच्छा बुरा कौन जानता है ऐसे मत करो खानम बी का मज़बूत लहजा मिन्नत अमेज सा था जमान ख़ान का सर मजीद झुका वो अभी तक खमोश था शरोना जहाँ मेरी जिंदगी की वो पहली और आखिरी चाहत है खानम भी जिसके सामने मैं बेबस हूँ यूं महसूस करता हूँ मेरे सीने में कुछ जल रहा है कोई आग है कोई जलन भरा सा एहसास है जो इसके नाम से सुकून पाता है खानम नंबी वो मेरा सुकून बन चुकी है खानम नंबी सुकून आप जानती हैं ना सुकून क्या होता है वो रो पड़ा था आ खा नंबी के लबों से आ निकली थी मोहब्बत इनके खानदान की इज्जत को नीलाम करने लगी थी वो सदका दिया करती थी वो न्याज पकवाती थी वो अल्लाह किरा में खर्च करती थी या खुदा मेरे बेजात को इस मोहब्बत के नुकसान से बचा ले मैं हर सदका दोगुना कर दूंगी इन्होंने दिल में दुआ की थी भला मोहब्बत भी कभी सदकों से उतरी है और कुछ खास मोहब्बतें तो और खास हुआ करती हैं मैं कोई गंदा खून सरदारों के खून में शामिल नहीं करूँ और ये बात तुम याद कर लो बेजादे खान भी यकदम उठ खड़ी हुई थी जमान ख़ान ने सूख का सांस लिया था तो फिर मैं बहजाज में वादा करता हूँ अगर मेरी नस्ल चलेगी तो वह शेरोना जहाँ से चलेगी बहजाज खान की बीवी का रुतबा किसी को मिलेगा तो वह शेरोना जहाँ होगी वो भला अपनी मोहब्बत के लिए गाली बर्दाश्त कर सकता था वो जो इसके इश्क में डूबा था जिसने इसे इतना तक नहीं कहा था कि वो अब नाचेगी नहीं वो भला इसके ख़िलाफ़ कैसे सुनता मैं यानी बजात खान आज और अभी से ख़ुद को जहांगीर खान के कबीले से अलग करता हूँ वो इतना ज़ोर से बोला कि बाकी बाहर जाती मुलाजमा के हाथ से डिशेस टूट के गिरी थी सारी हवेली में इसकी आवाज़ गूंज रही थी जमान खान शटर था और खान नंबी बेजान अगर इस हवेली में शरोना जहां की जगह नहीं तो बहजाज खान की भी नहीं ये बात करते हुए इस लड़के की आंखों से आंसू टूट कर सफेद हवेली के कई कमरे छोड़ता हुए कमरे के आगे जा रुका था अंदर लेटी संदलीन खानम इसकी महक पाकर सहम उठी थी संदलीन मैं अंदर आने की इजाजत चाहता हूँ सुरख पड़ता चेहरा और आंखें वो अब अपनी जिंदगी की तीसरी अहम औरत के दर पे खड़ा था जो इसकी कज़न थी कभी दोस्त थी इसने बहजाद खान के नाम पे इक्कीस साल गुजारे थे खान संदल नंगे पैरों दौड़ के आई थी और दरवाज़ा खोला था हवेली के बड़े सेहन में मुलाजमे जमा हो रहे थे इस घर के मकिन इस कदर शौक की कफ़ियत में थे कि किसी में हिम्मत ना हुई मुलाजमीन को तो वो वहाँ से हटा देता संदलन वो इसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा था संदलिन सिसक पड़ी थी खान ये कैसी आदत पाल दी है आपने सब सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाना मोहब्बत की आदत पाल ली जाए संदलीन तो हाथ जोड़ने की आदत नसीब बन जाती है वो बोल रहा था संदलीन वाक्य रो पड़ी थी इसने बहजाज खान के दोनों हाथों पर रोते हुए अपना सर धर दिया था वो इसे आखिरी बार देख रही थी इसका दिल ये सोचकर सहम उठा था बहजाद की आंखें अभी तक रवान थी वो खुले माहौल खुली आबो हवा में पला लड़का घुटनजदा माहौल में टूट रहा था अगर मेरे बस में होता संदलीन तो मैं इस मुल्क में एक कानून लागू करवाता बचपन में रिश्ते ना करने का कानून हमारे बड़े हम बचपो बच्चों की किस्मत का फैसला तभी कर लेते हैं जब हमने बोलना तक नहीं सीखा होता वो परेशान था खाना मेरी फिक्र ना करें आप अपनी जिंदगी जी लें संदलीन ने दुपट्टे के पल्लू से इस बार फहजाद खान के आंसू पूंजे थे वो पहली औरत थी जिसे बहजाज खान के चेहरे पे आंसू नहीं चाहिए थे सफेद हवेली में मोहब्बत करब से मुस्कुराई हाय ये मोहब्बत फहजाद खान की शरोना जहां से मोहब्बत संदलीन खानम की बहजाज खान से मोहब्बत तुम जानती हो संदलीन मैं इसे इतनी मोहब्बत कर बैठा हूँ कि अब अपना आप भी इसके सामने हकीक लगता है ये मेरे बस में नहीं था मेरे बस में कुछ भी नहीं था लोग पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार होते हैं मैं पहली नज़र के इश्क का शिकार हुआ संदलीन तुम समझ रही हो ना वो इसको वाकई चंद लाइन में सब कुछ समझा चुका था और संदलीन समझ भी चुकी थी अल्लाह आपको खुश रखे खान आपको इंसाफ वाला बनाए जाए इस गटन से गुटन से निकाल कर अपना अलग शहर बसा लें अपनी शहरोना के साथ इसका तो नाम भी यही है खान अपना शहर अपनी ज़ात का शहर शहरोना जाए इसके साथ मिलकर दुनिया बसा लें मेरी दुआएं आपके नाम संदरीन खानम कोई आम लड़की कहाँ थी जो वो थी इसने साबित कर दिया था खान के सर से कोई बोझ सरक गया था अब इसका रुख सदी का के कमरे की तरफ था वो यहाँ से जाने का फैसला कर चुका था बाजात बहुत खूबसूरत होकर भी बहुत अक्लमंद होकर भी और बहुत मुकम्मल होकर भी आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी खो देते हैं हाँ शायद इसी का नाम तो किस्मत है वो संदलीन जिसे हवेली में वक्त जैसा समझा जाता था वो अपनी जिंदगी की पहली ख़्वाहिश पे सबर करके खड़ी थी किस्मत इसका चेहरा बिल्कुल सादा था मगर कोई दिल देखता तो गुमनाम थी लकीरों से भरता जा रहा था किस्मत की बेवफाई की लकीरें और हमेशा की तरह एक औरत इज्जत के नाम पे हार गई बल्कि एक तवायफ इज्जत के लालच में आ गई शहपारा ने कपड़ों के ढेर को तय लगा कर रखती शरोना की अना और दिल पे एक साथ वार किया था मेरी मोहब्बत को लालच का नाम मत दो शहपारा शेरोना कांपी जब तवाइफ मोहब्बत करती है तो इसे मोहब्बत नहीं लालच कहा जाता है शेरोना शहपारा को कौन समझाता मैं इन सब तवाइफों जैसी नहीं हूँ शेरोना का चेहरा सुरख पड़ा आ शहपारा का चेहरा सुरख लबास में हंसते हुए सुरख पड़ा था मैं इन तवाइफों में से नहीं हूँ वाह शेरोना वाह अभी कल, तुम कल कहोगी मैं तवाइफों में से नहीं हूँ बिल्कुल ये मोहब्बत का नशा है ऐसा ही है शरोना मगर तुम जितना अपनी असलियत से भागोगी ये दुनिया उतना ही तुम्हारे सामने तुम्हारा असल खड़ा करेगी सच का सामना करना अभी से सीखो अभी तुम्हें और बहुत सी चीजों का सामना करना है शहपारा इसके साथ कपड़ों के ढेर में से कपड़े उठाकर तह लगा रही थी तुम दिल दुखाने वाली बातें क्यों करती हो शहपारा शिरोना थक के बैठ गई थी क्योंकि मेरी बहन तुम दिल दुखाने वाले रास्ते पर चल पड़ी हो इस रास्ते में तुम्हें न जाने किस किस की सुनने पड़ेगी तुम्हें आदत होनी चाहिए ना सब फ्रॉक में मलबूस बालों की चुटिया बनाकर एक तरफ डाले हुए थे चेहरा सादा सा लग रहा था मगर आंखें गोया सजी हुई थी सब आंखें और ख्वाबों की सजावट सुनो शेरोना शहपारा ने इसका चेहरा गौर से देखते हुए कहा था हां शिरोना किसी सोच में डूबी बोली थी अगर तुम्हें लगता है ये वाकई मोहब्बत है और वाकई तुम इस कशिश में गुम हो तो खुश रहना सीखो इसे महसूस करो हो सके तो सको करो दुआ करो इसे संभालो मोहब्बत की मोहब्बत समझ के कदर करो क्योंकि मोहब्बत अपने ना कदरों को बहुत रुलाती है बहुत और जितने दिन तुम इस कशिश में हो इसे जीना और जीने का तरीका बना लो शहपारा की एक एक बात शरोना के दिल में उतरी थी इसे वो याद आया जब वो कदमों में बैठा बेजाद खान वो मुस्कुरा दी थी दिल मुस्क मुस्कुराया सब कुछ जानना इसके लिए जरूरी था सदाम इसे मिल नहीं सका था शायद इसे कोई काम था इसलिए वो गागा हाउस चली आई थी गागा आजकल कमरा बंद अपनी पेंटिंग में मसरूफ थी मोनिका को देख वो झटके में बाहर आई थी हाँ भई चालबाज लड़की क्या हाल है तुम्हारे सामने पड़ी मेज से रुमाल उठाती व रंगों भरे हाथ साफ कर रही थी जो इंसान हालत जंग में हो इसका क्या हाल होगा मोनिका मुस्कुराई थी ये वक्त ये हालात इंसान को हरा देते हैं मोनी याद रखना गागा किचन में जा रही थी शायद आज मोनिका को इसके हाथ की चाय पीने का शर्फ हासिल होने लगा था मुझे वक्त और हालात को अपनी पसंद में अपने मुताबिक डालना है गागा इसने पोनी टेल में से निकलते कुछ बाल माथे से हटाए थे क्या ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम नहीं मोनी गागा ने सवाल किया क्या यतीम होना और गरीब होने से भी ज्यादा मुश्किल इस बार सब आंखों में लालियां झलकी थी तुम इस जंग में खुद को खो दोगी मोनिका गागा ने इसे सोचते हुए देखा मैंने खुद को चार साल पहले खो दिया था गागा बाल फिर से माथे पर आ गिरे थे वो लापरवाह हुई तो बजाय एक नई जंग की शुरुआत के तुम पहले खुद को ढूंढो गागा न जाने क्या चाहती थी अगर मैं कहूं कि मैंने इस जंग के लिए ही खुद को खोया है तो वो मोनिका जोसेफ थी इसे लाजवाब करने का हुनर हर वक्त ने सिखाया था आखिर ऐसा क्या हुआ था चार साल पहले गागा की आंखें थोड़ी सुरख हुई थी जारी